पानी का बोतल सिंपी से छीन के, ये लो देखो किस हिसाब से पानी का बोतल पी रहा, देखो कैसे नट खोला, देखो देखो पानी पी रहा, देखो ये देखो, ये देखो पानी का बोतल पी रहा है, देखो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। नया दिन और आज एक नई रोड ट्रिप के साथ हम आपका स्वागत करते हैं इस ब्लॉग पे। अगर आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू द चैनल, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आगे भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे। सो आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल है, रियांस के एग्जाम्स ख़त्म हो चुके हैं एंड ही वॉज कि भैया जाना है जाना है जाना है, सो वी आर गोइंग टू ऑन अ रोड ट्रिप, दो दिन का ट्रिप है हमारा। सो अभी हम आपको आगे मिलते हैं गाड़ी पे, पहले ये सारे सामान हम रख देते हैं फिर हम बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम बताते हैं गाड़ी में। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं अपना ट्रिप स्टार्ट करने के लिए, तो घर से अभी हम निकल रहे हैं। तो ये एक्चुअली हम जा रहे हैं महाबलेश्वर, जैसा कि हमने बताया, सॉरी नहीं बताया, अभी बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं महाबलेश्वर, अंश के एग्जाम्स खत्म हुए एंड लॉन्ग अवेटेड ट्रिप। सो बहुत दिन के बाद एक रोड ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग महाबलेश्वर के लिए। महाबलेश्वर यहाँ से अभी दिखा रहा है 250 किलोमीटर के लिए, क्लोज टू 4.5 घंटे, लेकिन लोनावला में बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है और देखते हैं कैसा होता है रास्ता। सो ट्रिप स्टार्ट करते हैं, तो सब लोग बोलो मेरे साथ गणपति बप्पा मोरया। यस, लेट्स स्टार्ट द ट्रिप। आ गए हैं पेट्रोल भराने के लिए, क्या रेट चल रहा है? 104 रुपए चल रहा है। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। सो भाई लेट्स स्टार्ट द ट्रिप एंड हमारी गाड़ी तैयार है। बहुत अच्छा पास में ही था तो हम लोगों ने अभी टैंक कर दिया है फुल एंड 635 का दिखा रहा है ड्राइव थ्रू। लेट्स सी कितना माइलेज देता है नहीं देता है। सो ट्रिप को स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं आपसे रास्ते में। सुबह के 6 बज रहे हैं और वाशी टोल नाके पे जाम तो देखो यार, भयंकर जाम लगा हुआ है। मतलब गाड़ियां हिल नहीं रही हैं, इतना गंदे तरीके से जाम लगा हुआ है। सुबह सुबह 6 बजे कहां लोग मेरे साथ जाने को तैयार हो जाते हैं यार। चलिए देखते हैं। बाहर निकल चुके हैं, धीरे धीरे समय बढ़ता हुआ और सीम्स लाइक सनराइज होने वाला है। देखते हैं सनराइज होता है तो आपको भी सनराइज दिखाते हैं, तो बने रहिए हमारे ट्रिप में, सनराइज दिखाते हैं आपको। ऑन दी वे धीरे धीरे रात खत्म होते हुए उजाले की ओर, थोड़ी ट्रैफिक कम हुई है अभी, लेकिन मैप पे ग्रीन से येलो हो गया है, यानी कि आगे कहीं रास्ते पे होगी ट्रैफिक। या बट इट्स नाइस, अभी तक एक्सपीरियंस इज नाइस, मजा आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। सो हम आ गए हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, अब यहाँ पे गाड़ी को लगाएंगे क्रूज मोड पे और गाड़ी दौड़ेगी अपने आप। सो यस, एक्साइटेड बेबी, सनराइज नहीं हुआ अभी तक। आगे पूरा हमारे यहाँ तो बोलते कुहासा है, लेकिन बम्बई में कुहासा थोड़ी पॉल्यूशन ही होगा यार। सो यस, वी आर ऑन द एक्सप्रेसवे नाउ यार, एंड एक्सप्रेसवे में जब आप एंटर करते हो उसके बाद से ही मजा आने लगता है। सो यस, चलो लेट्स गो।
महाबलेश्वर, हियर वी कम। जा रहे हैं अपना पहला टनल के अंदर। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं यहाँ पे भी। मुंबई में भी गड्ढा खुड़ा है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे में भी गड्ढा खोड़ कर रखा है इन लोगों ने। वाओ, बट टनल का एक्सपीरियंस तो टनल का एक्सपीरियंस होता है यार। जहाँ भी जाओ मजा आता है टनल के अंदर। लेकिन ब्यूटिफुल, इट्स रियली वेरी ब्यूटिफुल। रात के टाइम पे तो और भी अच्छा लगता है जब रेडियम लाइट्स जलती रहती हैं तो। नाफलिए की घाटी जाम पड़ी हुई है, हम तो एक शॉर्टकट लेके आ गए इधर से। एंड लुक एट द व्यू, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ये पूरा जाम लगा हुआ है। ये हम लोग क्रॉस कर रहे थे, कल यहीं पे रुके थे ना हम लोग पिकाडिल रिजॉर्ट में जब लोनावला आए थे तो। ये वाला हम लोनावला क्रॉस कर रहे हैं। गूगल ने हमें बोला कि भैया एक्सप्रेस वे मत जाओ, बहुत जाम लगा हुआ है, ये रास्ते पे चलो, ये रास्ते पे आपको जाम नहीं मिलेगा। तो इसी रास्ते पे आ गए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जाम तो यहाँ भी मिल रहा है। और लोग यहाँ पे हॉर्न बजा रहे हैं, पीपी कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों ऐसा मारपीट कर रहे हैं क्या भैया? नहीं नहीं, बातचीत कर रहे हैं, मारपीट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये डिस्कशन कर रहे हैं ये दोनों बैठ के यहाँ पर, गार्जियन लोग के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। अंकल सामने चश्मा पहन के आराम से चला रहे हैं, तो बढ़िया है। तो ये रहा भाई लोनावला शहर का भी मजा लीजिए। बताओ, दो दो हिल स्टेशन एक ही वीडियो में, और क्या चाहिए यार, इससे बढ़िया क्या हो सकता है भैया। एक ही वीडियो में महाबलेश्वर भी घूम लिए और लोनावला भी घूम लिए,
तो ये लोनावला में स्टारबक्स भी खुल गया होगा। तरक्की में यार लोनावला, पिछली बार तो था नहीं। चलो बढ़िया बढ़िया। तो हमको लगता है ये हमें पूरा लोनावला खंडाला अंदर होते हुए फिर एक्सप्रेसवे पे जोड़ेगा। सो ओके चलो लेट्स हेड ऑन एंड जब एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट होते हैं तो मिलते हैं आपसे। तब तक थोड़ा सा आप भी एक बार लोनावला का मजा ले लो यार, थोड़ा देख लो लोनावला वगैरह में। ये ट्रक को थोड़ा ओवरटेक करते हैं, इसके चक्कर में स्पीड थोड़ी कम हो रही है, माइलेज थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन चलो कोई बात चलते हैं। ये हमारा कट आ गया है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे चढ़ने के लिए। सो लोनावला जाना है इधर और दूतामार की एक्सप्रेसवे जाना है इधर। ये पुणे जाने का रास्ता है तो अपन चलते हैं पुणे जाने के लिए। दैट इज़ फॉर खंडाला एंड दिस इज फॉर मुंबई, दैट इज़ फॉर पुणे आई गेस, या दिस इज फॉर पुणे। सो देयर वी गो टू पुणे, यस वी आर गोइंग बैक टू पुणे, दिस विल गो टू मुंबई। रास्ते की जाम लगी हुई है तो इस यहाँ तक मैं पहले 2-3 बार आ चुका हूँ, इसके बाद मैं अभी पहली बार जा रहा हूँ टू पुणे। सो हम लोग सब पिछले 4 साल से मुंबई में हैं लेकिन लोनावला के आगे कभी नहीं गए। सो फर्स्ट टाइम आफ्टर 4 ईयर्स वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टू महाबलेश्वर वाया पुणे। सो एक बार एक्सप्रेस वे में मिलते हैं। ये है यहाँ पे बम्पर बना हुआ है क्या? ओके सो या वी हैव दी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे वापस एंड बहुत बढ़िया। चलो ओके अब हमने गाड़ी पे कर लिया है क्रूज कंट्रोल ऑन। अब भैया आराम से गाड़ी चलती रहेगी और हम लोग रास्ते का मजा लेते रहेंगे। अरे भैया ट्रक वाले भैया आराम से चलो यार, ऐसे डराओगे तो कैसे चलेगा। रियाज बाबू कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है आपका, मजा आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है? नाइस। एक्सप्रेसवे इज एक्सप्रेसवे, हाईवे इज हाईवे, या बट वी वेरी हैप्पी एंड कूल। सो अभी 8:15 बज रहे हैं, देखते हैं कब हम लोग क्रॉस करते हैं। तो सो गया था बेचारा, वो तो बाकी 2 टनल देख नहीं पाया, तो ये वाला टनल रियाज देख रहा है कैसा लग रहा है इसको। और क्वाइट नाइस, हाँ दिस क्वाइट नाइस। ये 1 किलोमीटर लंबा टनल था क्या यार, ये और टनल हो गया। सो हाय यंस, हाउ आर यू एंजॉयिंग द ट्रिप? गुड। हाउ इज द रोड? Awesome. And how is the drive? How is Papa driving? Full speed. Full speed. So you are scared or you are happy? Happy. You are not scared? No. Okay. आप सनरूफ पे ऊपर जाओगे? No. No. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो अभी पुणे के पहले का टोल जस्ट क्रॉस किया हम लोगों ने। अब यहाँ पे शायद कोई फूड कोर्ट है, देखता हूँ फूड कोर्ट का एंट्रेंस कहाँ से है। यहीं से दिख रहा है यार फूड कोर्ट का एंट्रेंस। तो चलो देखो गाड़ियाँ तो इधर ही लगी हुई हैं, कुछ खाया पिया जाए। हम लोग पिछले 2 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं,
120 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया है अभी। हाँ, ये फूड कार्निवल ही तो देखा गया था, सुना गया था कि भैया खाना अच्छा मिलता है, देखते हैं कहीं खाना वाना खाते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर अपने ट्रिप को आगे बढ़ाते हैं। साढ़े 300 रुपये में डोसा, मिसल पाव, इडली, मेदू वड़ा और चाय, बहुत बढ़िया लाविश ब्रेकफास्ट करते हैं हम लोग। रियांश, इडली खा रहे हो आप? खा रहे हो? ओके चलो, सो लेट्स एंजॉय आवर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं महाबलेश्वर की ओर। खाने का रिव्यू, मिसल पाव वाज गुड, बाकी मत खाना यार, बाकी उतना कुछ मज़ा नहीं आया खाने में यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, वॉशरूम्स वगैरह क्लीन है तो वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए ठीक जाके यूज़ कर सकते हो, मिसल पाव कर सकते हो। चाय वाज आल्सो गुड बट डोसा एवरेज, इडली एवरेज, मेंदू वड़ा वाज एवरेज। क्रॉसिंग पुणे, अब हम पुणे के बाईपास में हैं, शायद पहली बार आ रहा हूँ तो पता नहीं, लेकिन हाँ देख के तो लग रहा है कि पुणे जैसा शहर है, आसपास कोई बड़ा शहर है। ये सामने आप बिल्डिंग्स भी देख रहे हो, अक्सर बहुत सारे ब्लॉग्स में मैंने भी देखा है कि जब भी लोग पुणे क्रॉस करते हैं, ये चार पाँच जो बहनें हैं, सॉरी इनफैक्ट बिल्डिंग्स हैं, इनको ज़रूर दिखाते यार। तो मैंने कहा हम भी अपने ब्लॉग में दिखाएंगे यार, हम ऐसे क्यों नहीं दिखा सकते अपने ब्लॉग में। तो ये चार पाँच बिल्डिंग्स हैं आप देख सकते हो, या दैट इज दी स्टेडियम आई गेस, यस दैट इज दी स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम, जहाँ क्रिकेट मैचेस वगैरह आईपीएल के होते हैं। ये लोधा की प्रॉपर्टी है जहाँ पे, अच्छा दिस इज लोधाज प्रॉपर्टी, ओके नाइस। सो क्रॉसिंग पुणे फर्स्ट टाइम, पुणे आऊंगा जल्दी, बहुत जल्दी मिलते हैं, चलो। ट्रैफिक आगे देख के लग रहा है कि बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम ऐसा कुछ दिख तो रहा है मैप पे। सुबह 9 बजे वाला फ्राइडे पुणे, थोड़ा हरा भरा ज़्यादा है पुणे कंपेयर टू मुंबई। मुंबई में केवल बिल्डिंग दिखती है, यहाँ पे बिल्डिंग्स दिख रही है लेकिन थोड़ा हरा भरा भी दिख रहा है। नाइस नाइस प्लेस, वेरी नाइस प्लेस। चलो भाई आगे मिलते हैं आपसे। स्टिल ऑन पुणे, लेकिन यार काफ़ी बड़ा शहर है, ऐसा नहीं छोटा, इट्स क्वाइट अ बिग प्लेस। एंड यार द रोड्स आर प्रीटी बिग, जहाँ से हम अभी जा रहे हैं थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल रहा है, फिर थोड़ा बहुत खाली रास्ता मिल रहा है, एंड मिक्स्ड, लेकिन ड्राइव का मज़ा आ रहा है। तो भैया अभी भी पुणे में हैं हम और रियांश बाबू, और रियांश बाबू बोलिए क्या चल रहा है? बस वाई ओनली, अच्छा ओनली अच्छा लग रहा है। और कितना टाइम लगेगा महाबलेश्वर पहुंचने में? 2 hours 10 minutes। ओके, तो गूगल मैप इज ग्रीन, झूठ बोल रही मम्मा? ओके, 2 hours 10 minutes में मतलब क्या है? ग्रीन है, येलो है और रेड कलर, क्या कलर दिख रहा है? ग्रीन मतलब गुड, चलो यानी कि ट्रैफिक नहीं है। चलो भाई चलो, लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। ओके, ये पहाड़ बारिश के टाइम पे बहुत सुंदर लगता है, समझ में आता है, पूरा ग्रीन ग्रीन रहता है एकदम, बारिश होते रहता है तो मजा आता है। क्या कर रहा तुम? चल आ गया सबसे बड़ा टनल। दिस इज आई कैन गेस द 1 किलोमीटर लॉन्ग टनल, होल्ड अप प्लीज। ये वाला गाड़ी हम तभी से 5 बजे देख चुके हैं सर, कितना लंबा लेके जा रहा है, देखते हैं, हमको पूरी अंग्रेजी वाला पिक्चर याद आता है,
चलो ये जान दो। यस दिस इज द 1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज आई गेस द टनल दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। यस सो दिस इज दैट बिगर टनल। टनल का एक्सपीरियंस कैसा था आपका, जो इतना बड़ा टनल आपने देखा, हाउ डू यू फील लाइक? ऑसम, बस यू आर ओनली सेइंग वन वर्ड, ऑसम, गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, अच्छा दिस इज आल्सो वन वर्ड, अरे पूरा सेंटेंस बोलो यार, इट इज अ वर्ड, टेल मी समथिंग इन अ सेंटेंस, जैसे पिक्चर कॉम्पोजिशन करता ना मैम कराती है, पूरा एक सेंटेंस लिखता वैसा, चलो बताओ, इट इज एक्सीलेंट, वेरी वनी, वेरी नाइस। सो अभी मोटा मोटी हमारे पास 60 किलोमीटर और बचे हुए हैं और अभी तक का ड्राइव का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मतलब बहुत बढ़िया रोड्स मिला है थोड़ा। हाँ पुणे में ट्रैफिक था लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी थे तो उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला हमें, लेकिन दी रोड्स आर फैबुलस, मतलब अभी तक सो स्मूथ, सो ग्रेट, गाड़ी को क्रूज कंट्रोल पर डाल के छोड़ दो एंड यू कैन ईजिली ड्राइव ऑन दी वे, आर वेरी गुड रोड्स, वेरी गुड रोड्स। शायद कोई नदी है यहाँ पे, वो नदी क्रॉस कर रहे हैं, गाने को बंद भी करना पड़ता है यार, कॉपीराइट का इशू है, पता नहीं, चैनल तो मोनेटाइज हुआ नहीं है, अगर आप लोगों का प्यार रहा, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहे तो भाई मोनेटाइजेशन भी हो जाएगा, तब अच्छा भी लगेगा यार। वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप यार, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को कैमरा में कैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन नेकेड आई से इट्स रियली वेरी 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 ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिख रहा है। सो अभी हम 40 किलोमीटर और मार्ग शेष है महाबलेश्वर पहुँचने के लिए, सो चलिए आगे चलते हैं, लेकिन दिस वेरी सीनिक, अगर मैं बोलूँगा मैं एक बार मानसून में दोबारा आऊँगा महाबलेश्वर, डेफिनेटली फॉर श्योर, because monsoons may it will be heaven, literally it will be heaven. घाटी चढ़ना स्टार्ट कर दी है लेकिन हमको भी एक चीज अभी भी समझ में नहीं आया, लोग बोलते हैं कि महाबलेश्वर के लिए राइट टर्न लो, राइट टर्न लो, ऐसा कोई राइट टर्न तो नहीं है यार, ये तो रास्ता तो सीधा ही दिखा रहा है, चलो लेट्स सी कहाँ ये रास्ता पहुँचाता है, बट इट्स ब्यूटीफुल, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। ट्रेन लेके ट्री जा रहा है आपको लग रहा है तो नहीं तो ट्रेन का ऊपर हम लोग को चढ़ना है इसे ऊपर तक घाटी, देखो महाबलेश्वर भी था, महाबलेश्वर महाराष्ट्र शासक, ऐसा कुछ नहीं हम बोलेंगे जैसा हम लोग। A few moments later, ये फूड कोर्ट है, साई बाबा का सुंदर मंदिर है, मतलब मूर्ति है, का गार्डन का ये साइन बोर्ड आ गया है जहाँ महाबलेश्वर इज 44 किलोमीटर। ओके सो फाइनली जिस कट का हम इंतजार कर रहे थे कि यार अब आएगा अब आएगा अब आएगा, तो फाइनली वो कट आ चुका है, तो अब हम चले महाबलेश्वर की ओर, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से हमें राइट लेना है। हाँ खैर ये गाना बाद में सुनाएंगे आपको हम लोग, पहले महाबलेश्वर के लिए राइट ले लेते हैं, बहुत लोग राइट ले रहे हैं तो हम भी राइट लेते हैं। ये
हो गया महाबलेश्वर जाने का रास्ता। नाइस। पापा एलईडी स्कूटी चलाते हुए तो अब आ गया सिंगल लोन। अच्छा अब सिक्स लेन का मजाक खत्म करते हुए सिंगल लेन रोड है तो चलो ड्राइविंग पे मजा करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अरे यार यहाँ डांस कर रहा है यार, कर रहा तो यार ओके गाइस 19 किलोमीटर मार्ग और शेष है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे ब्लू कंट्री रिसॉर्ट या द रिसॉर्ट जहाँ हम रुक रहे हैं। अंश ने नाम रिवील कर दिया है सो लेकिन मैं सोच रहा था कि भाई लास्ट में जाके बताते हैं आप लोगों को। तो अभी वील बी टेकिंग मोर 30 मिनट्स या अब यहाँ पे आके देख के, लेकिन 32 डिग्री टेम्परेचर है बाहर तो ऐसा देख के तो नहीं लग रहा है कि हिल स्टेशन आए। मुंबई में 38 था या 32 डिग्री सेल्सियस है सो प्रीटी दिस है, लेकिन लेट्स कंटिन्यू अवर जर्नी एंड फिर आगे का सफर देखते हैं कैसा है नहीं है। आप भी देखिए हमारे साथ महाबलेश्वर कैसा है। दरवाजा है जिसका पता नहीं क्या है यार, दरवाजा टाइप आइटम दिख रहा है। सो वी आर क्रॉसिंग दैट एंड 14 किलोमीटर मार्ग शेष। बहुत सुंदर यार, क्या व्यू है, बहुत बढ़िया सच में, जितना नाम सुना था सुंदर जगह है। रियान डोंट गो एनीवेयर, स्टैंड देयर एंड हियर इज अ कार, ब्यूटीफुल। कम हियर, कम हियर, व्हाट अ व्यू ऑफ द वैली। What a view of the valley. Riyan, idhar aa. चलो भाई लेट्स गो टू द रिसॉर्ट। या वी हैव अराइव्ड, गूगल आल्सो सेज कि दैट वी हैव अराइव्ड, सो लेट्स एंटर ब्लू कंट्री रिसॉर्ट पंचगनी। आते से ही गड्ढे से हमारा स्वागत किया जा रहा है, ऐसा मत क्या करो यार तुम लोग, यार ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। पार्किंग पहले वहां हुआ करता था, अभी भी उधर ही पार्किंग। चलो भाई घुसते से ही एक्सपीरियंस तो थोड़ा अच्छा टाइप नहीं लग रहा, शायद कंस्ट्रक्शन हो रही है एंड आई कैन सी दी स्विमिंग पूल ओवर देयर।
बाकी अब रिजॉर्ट पे मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, और स्टे ट्यून फॉर पार्ट टू जहाँ पे आपको मैं होटल का टूर और पंचकनी एंड महाबलेश्वर के बारे में बताऊँगा। बाय बाय।